अब एक भारी सा बैग उठाकर पहाड़ों पर चलना, पैर मुड़ने का खतरा, गिरने का डर, एंड्स में अनकंफर्टेबल होकर सोना, टॉयलेट की कोई फैसिलिटी नहीं, अब इसमें क्या मजा आता होगा। चलो फिर एक्सपीरियंस करते हैं हाउ इट फील्स टू बी आइसोलेटेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो रहा है 7:30 इन द मॉर्निंग एंड अभी हम लोग हैं दीदीना में एंड बस ड्रोन उड़ाऊं उड़ाता हूँ निकाल रहा हूँ। तो अभी ड्रोन उड़ाने को बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग हैं दीदीना में, इट इज़ अबाउट 7:30 इन द मॉर्निंग और अभी बस हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड अभी रेडी होने लगे हैं सारे के सारे। ये देखो तो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स अली बेदनी बुक यार। बाकी यार रात को मैंने ज़्यादा कुछ शूट इसलिए नहीं किया बिकॉज एक तो जब हम यहाँ आए वहाँ आने के थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो गई और कंटिन्यूस रात तक बारिश होती रही, प्लस बारिश हुई तो उसके साथ साथ भाई लाइट चली गई, तो जितने भी इक्विपमेंट्स थे फ़ोन है सब कुछ डिस्चार्ज। भाई ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई, अब पावर बैंक के सारे जीना पड़ रहा है और मेरे पास दो ही बैटरी है GoPro की, तो पावर बैंक को सेव कर रहा हूँ जिससे कि भाई GoPro की बैटरी चार्ज हो जाए और आगे कंटेंट शूट हो जाए। बाकी ये देखो ये सारा यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इनके जो सामान आगे जाने हमारे टेंट्स वगैरह किचन का सेटअप सब कुछ, ये सब म्यूल पे लोड होके अपना आगे जाएगा और थोड़ी देर में फिर हम भी यहाँ से निकलते हैं। हाँ जी, तो शुरू हो गया अपना ट्रैक टूवर्ड्स अली बेदनी। अभी टाइम हो रहा है 8:30 इन द मॉर्निंग एंड लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। आज अकॉर्डिंग टू आवर ट्रैक लीडर उनका कहना है कि अप्रॉक्स 11 किलोमीटर तो होगा ही, बाकी ऊपर नीचे चलता है यार। बाकी ये जा रहे हैं अपने बंदे भाई संजीव भैया और पूरा दीदीना विलेज और कुछ नज़ारे ऐसे हैं यहाँ पर। ओके, क्विक इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो मेक श्योर यू कैरी अ वाटर बॉटल, मिनिमम 2 लीटर की होनी चाहिए बिकॉज आफ्टर दीदीना विलेज एंड टूवर्ड्स अली बेदनी बुग्याल सिर्फ एक ही वाटर सोर्स आएगा एंड इफ यू आर नॉट कैरिंग इनफ वाटर तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसलिए मेक श्योर यू कैरी अ वाटर बॉटल विद यू एंड जितने लोग हैं उतने लोग कैरी करो। तो या अभी बस शुरू करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे आते हैं तो आपको दिखाता हूँ, एंजॉय करवाता हूँ। बाकी शूट कम करूँगा, चलने पर ज़्यादा ध्यान दूंगा बिकॉज आज बहुत चलना है यार इसलिए। ओके गाइस, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है कि आप कितना प्रिपेयर होकर आते हो ट्रैक के लिए, ठीक है? तो आई हैव समथिंग टू शो यू। ये देखो, ये हमारी सीमा भाभी है, ये देख लो जरा, बैग वैग की कोई टेंशन नहीं, पहले जूता देखो उनका जूता, पहले तो चलो शूज तो स्पोर्ट्स शूज है वो ठीक है, पर ये देखो पानी की बोतल ऐसे कैरी करिए साथ में। एसेंशियल आइटम क्या हो सकती है ट्रैक पे आपके पास, क्या सबसे जरूरी आपके लिए क्या है? पानी, कपड़े, फ्लीस या फिर स्पीकर? स्पीकर इसलिए कुछ नहीं, ये देखो ज्यादा टेंशन नहीं, पानी लेके चलोगे दैट इज इनफ फॉर मी। SPO2 लेवल सबसे अच्छा इनका है। और हाँ एक्चुअली अभी नीचे हम लोगों ने दीदीना में ऑक्सीजन लेवल चेक किया सबका, भाई हमारे मेजर साहब जो हैं इनके हस्बैंड उनका तो दिखाई नहीं रहा था, वो मशीन कह रही है कि 100 के बारे में दिखाती नहीं हूँ तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ इसका, और इनका 98 बताओ। हाँ गाइस, आई एम रावत बट आई एम नॉट फ्रॉम गढ़वाल। पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। बाकी ये हमारा बंदे भाई आजकल कन्वर्ट हो रहा है, ही इज कन्वर्टिंग इनटू एन अफ्रीकन। बंदे कैन यू प्लीज एक्सप्लेन माय ऑडियंस कि हाउ यू आर कन्वर्टिंग योरसेल्फ इनटू एन अफ्रीकन? यू कॉल मी अफ्रीकन? या बट व्हाई? एज यू कैन सी, हां आई एम वेयरिंग माय सैंडल्स। हां, हैव यू सीन माय सैंडल्स? नो। दीदी, इज योर नेम लावण्या? यस। हैव यू सीन माय सैंडल्स? नो। तो ऐसी बकचोदी हमारी चलती रहती है, ठीक है भाई? यही एक्चुअली यही फन है, ये देखो एक्चुअली यही फन है कि भाई इतना लंबा रास्ता है, ऐसी मस्ती करते थे लोग तभी आप पहुंच पाओगे, वरना अगर आप मेंटली वो हो जाओगे कि यार बहुत लंबा रास्ता है नहीं चल पाएंगे। Have you seen Didi's plastic water bottle? Yeah, that is plastic water bottle. And my sandals? Sandals? बंदे तो रुकियो। बंदे कल क्या हुआ था? कल sandals टूट गई थी। Okay,
40 मिनट्स एंड अप्रॉक्स मोर देन 1 किलोमीटर अभी तक कर लिया हम लोगों ने, और अब ये फर्स्ट पॉइंट लिया जहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। ये तो बाकी के लोग फिर संजीव और वहाँ से आते हुए, और आपको एक अच्छा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये देख लो जरा यहाँ से, उफ 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 क्रेजी व्यू, ये देख लो। थोड़ा संभल रही है, हाँ हाँ, ये देख लो जरा। ओ भाई साहब पूरी खाई है, देखो यहाँ से नीचे पूरा ऊपर जाना है, देन फिर ऐसे मुड़ेंगे भाई साहब। इसमें बॉडी की वाट लगती है भाई, जो बड़ी टायर्ड होती है पूरा एक बार में करने पे, पर नहीं चीते हैं अपन, करके रहेंगे। चलो ओके, तो ब्रेक नंबर 2 यहाँ पर रुके हैं, एंड अभी हम लोगों ने किए हैं अप्रॉक्स 1.77 किलोमीटर्स इन 1 आवर 15 मिनट्स, 1.77 किलोमीटर्स इन 1 आवर 15 मिनट्स, विच इज़ नॉट बैड। एंड क्विक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस, 1.77 किलोमीटर्स के बाद आपको ये पॉइंट मिलेगा विच इज़ दी लास्ट वाटर सोर्स टूवर्ड्स अली बेदनी बुग्याल। तो भाई जो कोई भी आ रहा है ना, ये लास्ट है, इसके बाद अगले 10 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर कि यहाँ अच्छे से पानी पी के पी लो, अभी बस भाई यहाँ पानी पीते हैं। तब तक के लिए एडवांटेज क्या है हमारे पास कि बाकी संजीव या आस्तिक वो सब लोग बहुत पीछे हैं अभी, तो अच्छा एक 15-20 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा अपने को। हाँ जी, तो जनाब आफ्टर 5.5 किलोमीटर्स कुछ ऐसा नज़ारा आया है अभी, प्लेन थोड़ा सा, ये देखो आई गेस यहाँ से अब बुग्याल शुरू हो जाएंगे, बट हमारी मंजिल थोड़ी सी और आगे। जितना भी अभी तक हम लोग करके आए हैं पूरा का पूरा असेंट था, पूरा पहाड़ चढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद ये आया तो थोड़ी खुशी मिली है हम लोगों को। अभी हम थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, ये देखो इनका फ़ोटो सेशन चल रहा है यहाँ पर, और सामने वहाँ पर ब्रह्मताल का टॉप पॉइंट है पूरा। देखो मौसम ख़राब हो रखा है, यहाँ पर धूप है पर, और ये देख लो भाई माउंटेन में ट्रैकिंग करते हुए ऐसे होता है हमारा लंच। ये देखो ये कैसा रहा हमारे सफर, भाई लोग हमारे लंच ब्रेक लाए हैं, लंच ब्रेक और उसके बाद फोटोग्राफी शुरू है, ऊपर पहुंचते ही यहां सब लोग बैठे हैं और यहां पर बैठे हैं अपना लंच करेंगे। हमारे पूजा राज आए ना पहुंचे साहब, यहां से शुरू होता है अली बुग्याल, अब यहां से सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ खुला ग्राउंड मेडो और खूबसूरत नज़ारे। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है इस व्यू को जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत प्यारा। अभी अली बुग्याल शुरू हुआ है, थोड़ी देर बाद आगे जाके बेदनी बुग्याल आएगा, बट क्या ही प्यारे नज़ारे, बहुत सही। क्यों भैया देखा ऐसा, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, देखा ऐसा, ये कवर नहीं कर पाएगा, कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा, ये तो है, ये नहीं कुछ कर पाएगा। हवा बहुत तेज है यहाँ पर, एंड आई रियली वांट टू फ्लाई माय ड्रोन हियर, और इतने अच्छे व्यू मिलेंगे ना, बट भाई हवा इतनी तेज नहीं उड़ा सकता, बट आपको ऐसे ही कैमरे के थ्रू बढ़िया से नज़ारा देखने की कोशिश करूँगा। एक बार आप पहले इधर देख लो जहाँ से हम लोग आए हैं, वो पीछे वहाँ से अभी आस्तिक संजीव और आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे नज़ारे दिख रहे हैं। एक आप इसमें देख भी सकते हो कि मेरे खाते में विंडो आ रही होगी, और वहाँ पे देखो फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, जो भी बादलों के पीछे छुपे हुए हैं धीरे धीरे दिखने लगे हैं हम लोगों को। भाई मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है, और ठंडी बहुत लग रही है बिकॉज बॉडी क्या है अंदर पसीना आया हुआ है, हवा बहुत तेज चल रही है। तो भाई मेक श्योर करना है कि आप अपने कान कवर करके रखो, बिकॉज यहाँ बीमार पड़े तो आपका पूरे ट्रैक का मज़ा ख़राब हो जाएगा, उस क्या होगा फिर आप अच्छे से कर नहीं पाओगे, आपको वापस जाना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए भैया प्रॉपर लेयर अप कर लो अपने आप को, कैप पहन लो, अगर हो सके तो बंडाना भी लगा लो। मेरा बंडाना भैया के पास है, मैं उनको देता बिकॉज उनके पास कुछ था नहीं। अभी जहाँ पर हम लोग रेस्ट कर रहे थे वहाँ से निकले हैं, बिकॉज यार बहुत तेज़ हवा है और ठंडी हवा है एकदम, बाकी
मेरे सामने जो आप ये वाला माउंटेन का टॉप देख रहे हो, ये है बेदनी का समिट पॉइंट जहाँ पर हम लोग अभी थे। ये था अली बुग्याल का समिट पॉइंट। अगर आप चारों तरफ यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ आपको सुंदर सुंदर बुग्याल दिखेंगे, मेडो दिखेंगे, जो कि देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। बाकी इधर की साइड जो आप ये वाला माउंटेन शायद दिख रहा है, दिख रहा क्लाउड्स के पीछे है, ये है त्रिशूल। यहाँ से हम लोगों को नीचे आना है एंड वहाँ पर हम लोगों का कैंप साइट है, वहाँ से आए हैं हम लोग। देखो गाइस अभी बस थोड़ा सा रह गया है, इसके नीचे ही हमारे कैंप साइट है और बाकी लोग तो भी वहीं पर ही हैं। देखो तो दिख रहे होंगे चींटियों की तरह। हाँ जी भाई जी, तो ये पहुँच गए हम अपनी कैंप साइट पर। ये है अपनी अली बेदनी बुग्याल की कैंप साइट जो है हमारा डे टू का एंड आज। अब भाई यहाँ पर क्या है, है। दो बंदों का है, तीन का है। अब भाई यहाँ पर बैठेंगे, पहले तो कपड़े चेंज करूँगा बिकॉज पसीने पसीने हो रखे हैं, उसके बाद फिर देन देखते हैं कुछ स्नैक्स वैक्स देंगे, चाय पियेंगे और रिलैक्स करेंगे। भाई अभी टाइम देखता हूँ, आपको बताता हूँ कितने किलोमीटर लगे, कितना टाइम लगा, वो अपडेट करता हूँ, वो फ़ोन में है मेरे। बाकी मज़ा आ गया अभी यहाँ पहुँच के ना, एक्चुअली टायर्डनेस फील नहीं हो रही है, बस पैर में हल्का हल्का स्टिफनेस है बट टायर्डनेस फील नहीं हो रही है, विच इज़ अ गुड साइन बिकॉज इस जगह पे आने की एक्साइटमेंट इतनी होती है कि टायर्डनेस होगी नहीं आपको। तो यस, सो फार सो गुड। बाकी लोग नो आइडिया अभी कहाँ पर है, कहीं ऊपर होंगे, लेट्स सी थोड़ी देर में आ जाएंगे वो लोग। बाकी ये हमारे टेंट पीछे हो गए हैं, बाकी एक और ग्रुप वहाँ पर है।